सलमान खान के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो रहा था और ये बात सलमान खान को बहुत देरी से पता चली, लेकिन जब भी पता चली सलमान खान ने उसके ऊपर तुरंत ही एक्शन ले लिया। दरअसल हुआ ऐसा कि अमेरिका में सलमान खान का कोई इवेंट होने वाला है और उसके लिए कहीं से तो टिकटों की बिक्री चालू हो गई थी और वहां से फैन से करोड़ों रुपए लाखों रुपए वसूले जा रहे थे। तो जब ये बात सलमान खान को पता चली तो सलमान खान टेंशन में आ गए और फिर एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि भैया मैं ऐसा कोई भी शो नहीं कर रहा हूं, ना ही इंडिया में ना ही इंडिया के बाहर कहीं पर भी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर जरूरी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ऐसा करना अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। और ये बात सलमान खान कह रहे हैं कि अपराध की श्रेणी में आता है तो आता ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि सलमान खान वैसे ही बहुत सारी मुसीबतों में फंसे रहते हैं, बीच में कई तरह की अफवाहें उड़ी कि बिग बॉस वो ना करे, इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। अब उसमें कितनी सच्चाई थी नहीं थी वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो यही है कि सलमान खान के नाम पर उनके नाक के नीचे करोड़ों रुपए का फ्रॉड चल रहा था जिसे समय रहते सलमान खान सतर्क हो गए और उसे मीडिया में दे दिया। बाकी जिम्मेदारी उसकी होगी, अब वो पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है वो बात की बात।